अब आपके पास एग्जाम्पल आ गया है 1.3। इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब थोड़ी सी यहाँ कम इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप एनसीईआरटी को देखिए, उसमें ये देना चाहिए कम से कम एटलीस्ट कि एक कप में कितना अमाउंट वाटर का आ रहा है, क्योंकि अलग अलग से कप होंगे। मैंने भी एक देखिए कप बना दिया हुआ है, इसमें वाटर फिल कर दिया और वाटर कितना है जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है, मैंने उतना लिया हुआ है। कितना लिया है, 250 ग्राम। जबकि ये क्वेश्चन में देना चाहिए कि 100 ग्राम है कि 200 ग्राम है कि 250 ग्राम है, उसमें लिखा हुआ है। एज्यूम दैट, ऐसा कंसिडर किया गया है कि 250 ग्राम है। देखिए मैं आपको जैसे दिखाऊं, मेरे पास जैसे ये कप है, अब इस कप का एक अपना एक अलग अमाउंट आ रहा है, कोई हो सकता है छोटा कप हो उसमें कम अमाउंट आ रहा हो, जरूरी नहीं है कि 250 ग्राम ही हो, बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 250 से ही बताया गया है। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, 250 लीजिए या 100 लीजिए या 50 लीजिए, वॉट एवर डजेंट मैटर, कंसेप्ट समझिए। पहले तो एक चीज़ आप मान लीजिए कि कितने अमाउंट का वाटर इस कप में है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है, एक्चुअल जो मीनिंग है इस क्वेश्चन की वो है क्या, बता दूँ पहले ही, पहले बता दूँ, चलिए बता देता हूँ, फिर मैं कंसिडरेशन लेता हूँ। बताना मुझे ये है कि जैसे मैंने कप आपको दिखाया, ये कप आपको मिला, ठीक है, इस कप में कितने मॉलिक्यूल है वाटर की, आप ये निकाल लीजिए और साथ में ये निकाल लीजिए कि एक मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है, टोटल आपको चार्ज मिल जाएगा। देखिए जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो आप मैग्नीट्यूड निकालिए, बोल दीजिए कि इतना ही चार्ज पॉजिटिव है इतना ही नेगेटिव है। क्या कहा मैंने, एक कप मैंने वाटर ले लिया, इस कप में वाटर के कितने मॉलिक्यूल, ठीक, ये निकालिए पहले और फिर ये निकालिए कि एक मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और आपका टोटल आंसर आ जाएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू ए नहीं होता है, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकालिए कि एक कप ऑफ वाटर में है कितने, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कंसिडरेशन क्या आ गया, हमारे पास कंसिडरेशन ये आया कि सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, लेट मास ऑफ वन कप ऑफ वाटर, मास ऑफ, लेट मास ऑफ वन कप ऑफ वाटर, वन कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू 250 ग्राम, इतना हमको कंसीडरेट करना है एज पर एनसीईआरटी, ये हमको गाइडलाइन दे दी गई, इतना तो आप मान लीजिए, मानने के लिए हम फ्री हैं, कुछ भी माने, ठीक है, 250 ग्राम ले लिया। अब जरा देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में ना थोड़ी सी आपकी पकड़ होनी चाहिए केमिस्ट्री की। अब पूछा जा रहा है कि मॉलिकुलर मास निकालिए, अगर आपका हाथ तंग है, आप केमिस्ट्री आपको डराती है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ करना क्या है, आपको यहाँ पे चाहिए का चाहिए ये हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड क्या करना है आपको, ये फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल, ऐसा ले दो टोटल नेगेटिव चार्ज, ऊपर भी मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज है। तो कैसे निकालते हैं, क्यू इज इक्वल टू निकालते हैं एन ई से, ई क्या होता है टोटल चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये, और होता है चार्ज ऑन वन मॉलिक्यूल, ये क्या चीज़ है, चार्ज ऑन वन मॉलिक्यूल, सिर्फ इतनी बात निकालनी है आपको, आपको सिर्फ निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल कफ
में है, मतलब एक कप वाटर लिया है तो एक कप वाटर में कितने मॉलिक्यूल वाटर के हैं और एक मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है। दोनों चीज़ निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मिल जाएगा, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसी के लिए हमें काम करना है। तो मैंने क्या निकाला, पहले ये निकाल दिया, फिर मैं निकालता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, जरा देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, क्योंकि वाटर होता है H2O, तो H2O में जरा देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, यहाँ पे H2 है तो क्या आएगा 1 × 2 आएगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 आ जाएगा टोटल, ये 18 ग्राम आपको मिल गया, ये मॉलिक्यूलर मास आपको मिल गया। अब यहाँ से क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन मोल ऑफ वाटर। तो वन मोल ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ लिखा जा सकता है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम, जो 18 ग्राम आया है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, वही हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन मोल, और वन मोल में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं 6.02 × 10³³ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है 10³³ मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 18 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 18 ग्राम में हो जाएंगे इतने, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम कितना आएगा, 1 ग्राम आएगा तो 6.02 × 10³³ और डिवाइड बाई 18, इतने मॉलिक्यूल आ गए, ठीक। अब मुझे निकालना है 250 ग्राम में, क्योंकि जो कप में वाटर है वो 250 ग्राम का है, तो 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, तो देखा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम तो क्या आएगा 6.02 × 10³³ डिवाइड बाई 18 इंटू 250, और जब इनको सब सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाता है, इनको सॉल्व करिए आप, सॉल्व जब आप करते हैं तो आपको मिलता है, यहाँ से आपको मिल जाता है 83.65 × 10³³ मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, कितने 83.65 × 10³³ मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल आपको मिल गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ से मैं ले सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन कप ऑफ वाटर n की वैल्यू आपको मिल गई 83.65 × 10³³, ये आ गए इतने मॉलिक्यूल, ये हो गए मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल आपको मिल गए। अब क्या चाहिए, एक मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, निकाल देते हैं उसको भी, जरा देखिए H2O contains, यहाँ मैं स्टार बनाता हूँ, जरा देखिएगा क्या है, H2O contains one atom, देखिए two atom of H contains two H atom, two hydrogen atom and one oxygen atom. कितने एटम कंटेन करता है, ये करता है देखिए 1 ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है और 2 ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब
दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में होते हैं 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। इसका मतलब ये हो गया कि H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। ये बात समझ में आई, H2O में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन कैसे आए, क्योंकि H2O बनता है दो हाइड्रोजन एटम से और एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इसका मतलब दो हाइड्रोजन एटम है तो दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन। ऑक्सीजन एटम क्या होता है, ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है 8 प्रोटॉन है, तो क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ के, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ के, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, दो प्रोटॉन यहाँ के और 8 प्रोटॉन यहाँ के, तो 10 प्रोटॉन हो गए। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन पाए जाते हैं किसमें, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो मुझे चाहिए क्या, चार्ज ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ क्या लिखा था मैंने, यहाँ लिखा था चार्ज ऑन वन मॉलिक्यूल किसका, वाटर का, यहां लिखा जाएगा हेंस चार्ज ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या आ जाएगा यहां पे, जो ई की वैल्यू है कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई 10। अब चाहे 10 प्रोटॉन लिखिए चाहे 10 इलेक्ट्रॉन लिखिए, 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है चार्ज कितना होता है, तो ये तो E की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई E की वैल्यू। तो इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ, जरा देखिए इसका मैं लिख सकता हूँ क्या, इसका मतलब है ये E की वैल्यू आ गई, E की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से E की वैल्यू लिख सकते हो कितना, 10 इंटू और 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, तो ये E की वैल्यू आ गई। यहाँ से n निकाल सकते थे, निकाल लिए थे, और यहाँ से e निकाल आया। अब निकालना है कितना, निकालना है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो दोनों तो इक्वली है ना, 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ, एक का जो होगा वही दूसरे का होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना आया, N की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 83.65 10 की पावर 23, और ये इसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19। और जब इसको ओवरऑल हम सॉल्व करते हैं तो Q की वैल्यू हमें मिल जाती है 1.34 10 की पावर 7 कूलम, ये इसके पास आंसर आ जाता है। और यही इक्वल टू किसके होता है, यही इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन जो कन्वे करनी चाहिए थी क्वेश्चन में एनसीईआरटी टेस्ट बुक में वो नहीं है। पहली तो ये कि कितना कितने ग्राम वाटर है कप में, ये गिवन होना चाहिए, अदरवाइज सबका आंसर ये अलग अलग आएगा, सबका आंसर क्या आएगा, अलग अलग आ जाएगा।